जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके छोटा भाई के चैनल में। भाइयों, आज मैं आपको सीलिया नेटवर्क की फेज़ वन की KYC किस तरह करनी है आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, और सीलिया नेटवर्क की ट्विटर की बहुत सारी अपडेट्स हैं वो आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अपने छोटे भाई के चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाइयों आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, अगर आपको ये माइनिंग ऐप चाहिए तो उसका लिंक मेरे टेलीग्राम में होगा, आप जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, आप देख सकते हैं इनके ट्विटर में इन्होंने ट्वीट कर रखा है, बहुत लोगों ने अब अपनी फेस वन की KYC कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपके पास इस तरह का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको करना क्या है, पहले अपना ऐप को अपडेट कर लेना है। ऐप अपडेट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको ये दिख रहा होगा भाइयों। अब ये क्या है भाइयों, इसमें ना आपको ना अगर KYC करनी है तो KYC करने के लिए आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। आप क्वालिफाई कैसे हो गए भाइयों, आपको ना 15 दिन लगातार माइनिंग करनी होगी। ओके भाइयों, मेरा तो 15 दिन में हो गया था, बट आपको क्या पता 15 दिन से ज़्यादा हो जाए या ना हो, वैसे तो बहुत कम चांस है। ठीक है, मतलब 15 दिन तक आपको कंटिन्यूस माइनिंग करनी होगी, जिससे आपको, ये आप देख सकते हो मेरे 15 डेज हो रखा है, ऐसे आपको काउंट होंगे। जैसे आपने कर रखा है पहले दिन माइनिंग करे तो 1 काउंट होगा, दूसरे दिन हो रखा है 2, ऐसे ऐसे काउंट होगा ये। ओके भाइयों, आपको 15 दिन तक कंटिन्यू माइनिंग करनी है। ओके भाइयों, जब आपका ये 15 दिन तक हो जाएगा तब आप क्वालिफाई हो जाओगे, आपके पास क्वालिफाई का ऑप्शन आएगा। ओके भाइयों, फिर उसके बाद आपको करना क्या है, उस पर आपको क्लिक करना है। ओके भाइयों, तो भाइयों आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, दो ऑप्शन आ रखे हैं, फेज़ वन फेज़ टू। तो आपको पहले फेज़ वन की KYC करनी है, तो पहले आपको अपना नाम डालना है, दूसरे में अपना फ़ोन नंबर डालना है, तीसरे में अपना कंट्री डालना है। इसके बाद आपको करना क्या है, स्टार्ट फेज़ वन KYC पे क्लिक करना है। ओके भाइयों, तो इस तरह आप फेज़ वन वेरीफाइड हो जाओगे, मतलब आपकी KYC फेज़ वन की हो चुकी है। अब हम फेज़ टू पे क्लिक करते हैं। तो भाइयों, आप देख सकते हो इसमें लिख रखा है नो योर कस्टमर KYC, तो आप नीचे पढ़ सकते हो, दिस फेस इंक्लूड एडिंग योर BEP20 वॉलेट एड्रेस फॉर सीलिया टोकन डिस्ट्रीब्यूट, मोर डिटेल्स विल बी प्रोवाइड इन ड्यू फेस। मतलब आपका इसमें ऐड करना पड़ेगा अपना BEP20 का एड्रेस, बट अभी ये नहीं होगा, वो कुछ दिनों के बाद होगा। ओके भाइयों, मतलब फरवरी के एंड तक हो जाएगा वो। ओके भाइयों, मतलब आपका वॉलेट एड्रेस ऐड होगा इसमें, जिसमें आपके कॉइन डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ओके भाइयों, अब भाइयों इसके ट्विटर की बात करते हैं, जो इसके लॉन्च के ऊपर बात है, आप देख सकते हो, द पीपल फेवरेट क्रिप्टो एक्सचेंज 5 स्टेज 2 सितंबर 30 लॉन्च। तो तीन तरीके की चीज़ बता रही है, ये सितंबर में लॉन्च होगा। पहले स्टेज में क्या होगा, फेज़ टू की KYC होगी, जैसे मैंने आपको अभी फेज़ वन की KYC कराई है, जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट भी होंगे कॉइन। ठीक है, मतलब एक अपडेट आएगा आपके फ़ोन में, ठीक है, जिससे आप इस कॉइन को आपके विड्रॉ कर सकते हो, मतलब आप सेल नहीं कर सकते हैं, मतलब आपके कॉइन आपके वॉलेट में रहेंगे। ओके भाइयों, और सेकंड स्टेज में पब्लिक सेल ऑफ 15 मिलियन सीलिया टोकन्स। ओके, मतलब आप उसको ले सकते हो, आराम से बाय कर सकते हो। और थर्ड स्टेज में क्या होगा, सीलिया एक्सचेंज लॉन्च। तो इसमें लिख रखा है सितंबर 30 को ये लॉन्च होगा, तो ज़्यादा समय है नहीं, अगर आपको जितने ज़्यादा कॉइन करने हैं कर लो, क्योंकि भाइयों अच्छा प्राइस हो सकता है, 0.5 USD टैग तक इसका चांस है होने का। तो भाइयों बस वीडियो जाना लगी, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना छोटे भाई के चैनल। थैंक यू गाइस।